दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है। इस दिन भी लोग अपने घर के बाहर दीपक जलाते हैं। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति मृत्यु देवता यमराज और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, उसे मरने के बाद नरक नहीं मिलता और अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। जानिए नरक चतुर्दशी का महत्व। छोटी दिवाली पर खास तौर पर लोग यम देवता की पूजा कर घर के मुख्य द्वार के बाहर तेल का दीपक जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु कभी नहीं आती। इस दिन सुबह सूर्योदय से शरीर पर सरसों का तेल लगाकर स्नान करने का विशेष महत्व है। स्नान के बाद भगवान हरि यानी विष्णु मंदिर या कृष्ण मंदिर जाकर दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से पाप से मुक्ति मिलती है और सौंदर्य बढ़ता है। छोटी दिवाली को यम चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध महीने में आए हुए पितर इसी दिन चंद्रलोक वापस जाते हैं। इस दिन अमावस्या होने के कारण चांद नहीं निकलता, जिससे पितर भटक सकते हैं। इसीलिए उनकी सुविधा के लिए नरक चतुर्दशी के दिन एक बड़ा दीपक जलाया जाता है। यमराज और पितर देवता अमावस्या तिथि के स्वामी माने जाते हैं। छोटी दिवाली की कथा। नरक चतुर्दशी के महत्व को बताने के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर नामक असुर ने अपनी शक्ति से देवी देवताओं और मानवों को परेशान कर रखा था। असुर ने संतों के साथ 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बना कर रखा था। उसके बढ़ते अत्याचार को देखते हुए देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और कहा कि इस नरकासुर का अंत कर पृथ्वी से पाप का भार कम करें। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को एक स्त्री के हाथों मरने का शाप था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और उनकी सहायता से नरकासुर का वध किया। जिस दिन नरकासुर का अंत हुआ, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने कन्याओं को बंधन से मुक्त करवाया। मुक्ति के बाद कन्याओं ने भगवान कृष्ण से गुहार लगाई कि समाज अब उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसके लिए आप कोई उपाय निकालें, हमारा सम्मान वापस दिलवाएं। समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के सहयोग से 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया। 16,000 कन्याओं को मुक्ति और नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में घर घर दीप दान की परंपरा शुरू हुई। आइए जानें पूजा और विधि। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इस दिन तेल से नहाया जाता है। नहाने के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं, फिर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। पूजा के समय फल, फूल और धूप लगाएं। दिए के लिए मिट्टी के दीपक की जगह आटे से बना दिया जलाएं। शाम को दहलीज पर 5 या 7 दिए लगाएं। किशन दिवाली की ढेर सारी शॉपिंग करके खुशी खुशी घर जा रहा था। उसने अपनी कार सड़क के उस पार खड़ी की हुई थी। उसके हाथ में सामान के थैले थे। अचानक किशन के हाथ से एक थैला जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही किशन उसे संभालने लगता है, एक ट्रक से उसे भारी टक्कर लगती है और वो उछल कर दूर गिरता है। ट्रक वाला वहाँ से भाग जाता है। किशन लहूलुहान पड़ा था। किशन की आत्मा यमलोक पहुँचती है। पूरा यमलोक दीप मालाओं से सजा हुआ था। जगमग दीप जल रहे थे, फूलों की साज सज्जा हो रही थी। यमलोक जहाँ हमेशा अंधकार रहता था, वह यमलोक भी दिवाली की साज सजावट से जगमगा रहा था। तभी एक बूढ़ी आत्मा किशन से बोली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, लगता है यमलोक में नए आए हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ काका, मैं कहाँ गया हूँ? बेटा तुम मृत्यु लोक में आए हो, ये यमलोक है, यहाँ मृत्यु के पश्चात आते हैं। इसका मतलब मैं मर चुका हूँ, मैं एक आत्मा बन गया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे तो पत्नी, बच्चे, माँ सब दिवाली के त्योहार के लिए मेरी राह देख रहे हैं। आज छोटी दिवाली है, राधा मेरा इंतजार कर रही होगी,
मुन्नी और बंटी भी अपने पटाखों के लिए मेरी राह देख रहे होंगे। मैंने मुन्नी और बंटी से वादा किया था कि मैं उनके लिए आज फुलझड़ी लेकर आऊंगा अगर वो मेरे मरने की खबर सुनेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किशन अभी मन ही मन अपने आप से बात कर ही रहा था कि तभी एक भारी आवाज उसे सुनाई देती है। चित्रगुप्त, आज दिवाली का त्योहार है। धरती लोक पर दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसीलिए हमने भी यमलोक में दिवाली मनाने के बारे में सोचकर सही किया। हाँ महाराज, आपने ये बहुत उत्तम कार्य किया। आपको पता है सभी आत्माएं दिवाली की तैयारी जोर शोर से कर रही हैं। सभी के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए जा रहे हैं। वो देखिए, सब आत्माएं आपस में मिलकर दिवाली के दीपक जला रही हैं, दीप मालाएं सजा रही हैं। कितना सुंदर नजारा है। बिल्कुल, इसीलिए मैं चाहता हूँ आज यमलोक में रहने वाली हर आत्मा खुशी से दिवाली का त्योहार मनाए। आज हम सबकी इच्छा पूरी करेंगे। आज दिवाली के दिन हम बहुत प्रसन्न हैं। यमराज जी, अगर आप सबकी इच्छा पूरी करेंगे तो मुझे वापस पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, मेरी बूढ़ी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जीवन दान दे दीजिए यमराज जी। ये कौन है चित्रगुप्त जो हमसे ऐसी मांग कर रहा है जिसे पूरी करना हमारे वश में नहीं है? महाराज, ये किशन है। अभी थोड़ी देर पहले ही सड़क पर एक ट्रक से इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए इसकी आत्मा यमलोक आ चुकी है या काल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो इसमें इतनी हैरानी की बात क्या है? ये तो होना ही था। जब ये मृत्यु को प्राप्त हो चुका है तो इसकी आत्मा को यमपुरी आना ही था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यमराज जी। अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं काल मृत्यु को प्राप्त ना हो पाऊं। ऐसा मत करो यमराज जी, आज दिवाली का त्योहार है। आप भी तो यमलोक में दिवाली मना रहे हो, मुझे भी धरती लोक पर दिवाली मनानी है। मुझे वापस भेज दो। किशन अभी यमराज से वापस पृथ्वी लोक पर भेजने के लिए प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी यमराज जी के कानों में किसी की आवाज पड़ती है। ये कौन है जो मेरी पूजा कर रहा है और मेरे नाम का दीपक जलाकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है? महाराज, आज छोटी दिवाली है, इसीलिए यम का दीपक जलाकर लोग आपसे अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो जो देख रहे हैं वो कृष्ण की पत्नी राधा है। वो यम का दीपक जलाकर अपने पति के लिए लंबी आयु मांग रही है। यमराज जी देखते हैं कि कृष्ण की पत्नी राधा दीपक जलाकर यमराज जी से अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर रही है। हे यमदेव, मैं आपके नाम का यह यम का दीपक जला रही हूँ। मेरे पति को सारी परेशानियों से दूर रखना, सदैव उन पर अपनी कृपा रखना, उनकी रक्षा करना भगवन। कहते हैं दिवाली की रात जो भी भक्त यह यम का दीपक जलाता है उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह सभी संकटों से दूर रहता है। मैं अपने पति और अपने परिवार के लिए सुख शांति चाहती हूँ, इसीलिए मैं विश्वास के साथ यह दीपक जला रही हूँ कि आप मेरे पति और मेरे परिवार पर आने वाले हर संकट को टाल देंगे। जय यमदेव। यमराज जी जब राधा को प्रार्थना करके दीपक जलाते हुए देखते हैं तो उन्हें अपनी कही बात याद आ जाती है। चित्रगुप्त, मैं किशन को अकाल मृत्यु नहीं दे सकता। किशन अपने समय पर ही यमलोक आएगा, क्योंकि मेरे कहे अनुसार जिस घर में भी ये यम का दीपक जलाया जाता है उस घर में कोई भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। और राधा ने ये दीपक जलाकर सच्चे हृदय से मेरे से प्रार्थना की है, इसलिए मुझे उसकी ये इच्छा पूरी करनी ही होगी। किशन, मैं तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पर भेज रहा हूँ। सच महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, मेरे परिवार को बिखरने से बचा लिया है। किशन, ये सब तुम्हारी पत्नी के अच्छे कर्मों का ही फल है। वो बहुत संस्कारी है, वो तुमसे बहुत स्नेह करती है और तुम्हारी लंबी आयु के लिए ही उसने ये दीपक द्वार पर जलाए हैं, जिससे यमराज जी प्रसन्न हुए और तुम्हारी मृत्यु टल गई। चित्रगुप्त, आज पूरा यमलोक यम के दीपक की रोशनी से जगमगा रहा है। जाओ किशन, अपने घर जाओ, खुशियों भरी दिवाली मनाओ। यमदेव जी, आपकी जय हो। अच्छा चित्रगुप्त जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। पृथ्वी लोक पर अभी भी सड़क पर किशन का शरीर चोटिल अवस्था में पड़ा हुआ था। आसपास लोगों की भीड़ लग गई थी। तभी किशन के शरीर में प्राण वापस आ जाते हैं और वो आंखें खोल लेता है। अरे ये तो जिंदा है, हमें तो लगा था सिर पर चोट लगने के कारण तुम मर चुके हो भैया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे जरा सी खरोंची तो है, ठीक हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी मदद के लिए आए। चलो भैया चलो, लगता है भगवान के किसी चमत्कार से ये आदमी बिल्कुल ठीक हो गया है। अच्छा है, दिवाली के दिन कोई बला टल गई भैया। किशन खुशी खुशी सारा सामान लेकर घर आता है। उसके माथे पर चोट देखकर राधा और उसकी सास घबरा जाते हैं। आपको ये चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं, जरा सी खरोंच है,
वो सामान लेकर दुकान से निकल रहा था, वहीं पर लग गई। चिंता मत करो, तुमने यम का दीपक जलाया है, मुझे कुछ नहीं होगा। आपको कैसे पता ये यम का दीपक है? अरे डायरेक्ट यमराज जी से मिलकर आ रहा हूँ। यमलोक में बहुत सुंदर दिवाली मनाई जा रही है, बिल्कुल पृथ्वी लोक की तरह, उन्होंने ही बताया है। जब देखो तब मजाक करता रहता है, पर मेरा बच्चा ऐसे ही हंसता खेलता खुश रहे। हे भगवान, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे, मेरे बच्चे ऐसे ही खुशी खुशी अपने त्योहार मनाते रहे। किशन अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाता है। किशन आसमान की तरफ देखता है, उसे एक सुंदर सा दीपक रोशनी से टिमटिमाता हुआ नजर आता है। किशन समझ जाता है कि यमलोक में भी दिवाली मनाई जा रही है। किशन मुस्कुरा देता है और यमराज जी को धन्यवाद कहता है।